आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से पालन करने के लिए बैटमा पुलिस एवं पैरा मिलिट्री फोर्स के संयुक्त रूप से बैटमा थाना क्षेत्र के अति संवेदनशील एवं संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस ग्रामीण रूपेश कुमार द्विवेदी, देपालपुर SDOP राहुल खरे, बैटमा थाना प्रभारी संजय सिंह एवं पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान शामिल हुए। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में लोग निर्भीक एवं निष्पक्ष रूप से मतदान कर सके, जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। साथ ही अराजकता फैलाने वाले, चुनाव को अकारण प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। फ्लैग मार्च बैटमा थाना क्षेत्र के ग्राम काली बिल्लौत, घाटा बिल्लौत, जीवन ज्योति एवं बैटमा नगर के कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही नगर वासियों को उन्होंने आदर्श आचार संहिता का पालन करने की हिदायत भी दी। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज थाना बेटमा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण श्री रूपेश कुमार द्विवेदी सर और SDOP देपालपुर श्री राहुल खरे सर की नेतृत्व में ITBP के फोर्स और थाना बेटमा के फोर्स द्वारा नगर में फ्लैग मार्च का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नगर में यह फ्लैग मार्च निकालकर आम जनता को यह संदेश दिया गया कि चुनाव में निर्भीक होकर निष्पक्ष रूप से मतदान करें और अधिक से अधिक मतदान करें। इस आदर्श आचार संहिता के दौरान यदि किसी व्यक्ति द्वारा है या अराजकता फैलाई जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और इस तरह से अवैध गतिविधि करने वाले और अराजकता फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संदेश के साथ में जो है नगर बेटमा में, काली बिल्लौद में, घाटा बिल्लौद में और जीवन ज्योति कॉलोनी क्षेत्र में फ्लैग मार्च का निकाला गया, और इस फ्लैग मार्च के साथ में यह भी संदेश दिया गया कि आम जनता जो है जिले में लागू आदर्श आचार संहिता का पालन करे और निर्विघ्न रूप से आगामी चुनाव को संपन्न करावे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।